तो सबसे पहले आपको चाहिए कैंपिंग के लिए एक स्टोव, मिनी स्टोव, ऐसे लॉक है तो इसके हम ऐसे लगा देंगे। हम इसको क्या है स्टोरेज के लिए मतलब एक जेरकिन होनी चाहिए। ये मैंने देखो ऑनलाइन मंगाई थी दोस्तों। आपने अगर कैंपिंग के लिए लेना है तो बहुत ही मस्त आइटम है, तो आप लोग ले सकते हो बिना सोचे समझे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हम भी बढ़िया दोस्तों, एक नंबर। तो दोस्तों थंबनेल्स देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या है, आप लोग अगर कैंपिंग करते हो ना, तो मैं कैंपिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी सामान है तो मैं पक्का बताऊँगा आपको कैंपिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। छोटी सी कैंपिंग अगर करनी है तो क्या क्या चाहिए, ठीक है। और मेरे साथ में मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त प्राकित, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अभी देखो, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब घर के मैं देखो बरामदे में बैठा हूँ, थोड़ा नीचे जो आंगन होता है ना तो उसमें मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखा दो पीछे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल क्या है, मतलब एकदम हम मस्त लोकेशन में बैठे हुए हैं, मैं और प्राकृत, और टेंट मैंने लगा दिया है, और देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है ना दोस्तों, आप अगर आउटडोर कैंपिंग जाते हो ना तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपके पास होना चाहिए एक टेंट, ठीक है, एक छोटा सा टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने ये मैंने टेंट लिया हुआ है, ये मैंने ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये मैंने 1600-1700 का मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो सबसे पहले आपको आपके पास एक कैंपिंग छोटा सा टेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात आती है आपके पास एक क्या है स्टोरेज के लिए मतलब एक जेरकिन होनी चाहिए। ये मैंने देखो ऑनलाइन मंगाई थी, ठीक है। ये क्या है जेरकिन, मतलब इसमें क्या है 10 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है, इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है दोस्तों। और क्या चीज, और क्या है दोस्तों, कैंपिंग के लिए अगर आउटडोर आपने अगर कुकिंग करनी है तो सबसे पहले चाहिए स्टोव, ठीक है। रुको, ये है वो स्टोव है ना दोस्तों। अभी देखो, सबसे पहले आपको चाहिए कैंपिंग के लिए एक स्टोव, मिनी स्टोव, जो मैंने ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं, और ये देखो ये ऐसे खुल जाता है, और उसके बाद इसका जो पीछे होता है तो इसको आप पीछे यहाँ पे भी स्टैंड होता है, तो इसको आप खोल सकते हो, ऐसे आप इसको किसी के ऊपर भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में दिए हुए एक लैंप ताकि हवा नहीं लगे, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे चारों कोने में आ जाएंगे, ठीक है। पर अभी क्या है हवा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। और एक उसके लिए तो स्टोव जलाने तो उसके लिए गैस ही तो चाहिए होती है। और एक चीज आपको और चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए गैस, ठीक है। ये छोटा सा सिलेंडर है दोस्तों, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ हंस का, तो बहुत ही अच्छी कंपनी हंस की, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अभी क्या है, अभी देखो इसको अगर कनेक्ट करना है दोस्तों तो इसको कनेक्ट ऐसे करेंगे, पहले इसके अंदर हम लगा देंगे इसको ऐसे, और सबको पता होता है। और ये क्या ऐसे लॉक है, तो इसके हम ऐसे लगा देंगे हम इसको। ये क्या है, अभी हमारा गैस देखो, मतलब हमारा चूल्हा तैयार हो गया। ये चूल्हा छोटा दिखने में लगता है, इसके अंदर आप तकरीबन बड़ा सा कुकर 5 kg, मतलब जो भी रहता है 5 kg का, 10 kg का इसके ऊपर रख सकते हो, और उसके ऊपर आप चावल भी पका सकते हो बहुत अच्छे से। तो हम दोस्तों पकाने वाले हैं ऑमलेट, ठीक है, तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल पहाड़ों की वादियों में बैठे हो, और एक नंबर नज़ारा आप देख सकते हो साथ में पीछे। और अभी क्या है, मैं पकाने वाला हूँ ऑमलेट, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और इसका क्या है ना दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, इसका क्या है जो ये मतलब इसमें क्या है, आपको ये लाइटर है इसमें क्या है, मतलब मार्चिस की जरूरत नहीं होती इसको जलाने के लिए, तो इसको यहाँ से दबा के ऊपर लाइट जलती है इसके ऊपर, ठीक है। तो लाइट है नहीं, मतलब क्या है, जल जाता है बेटा है। अरे चिंगारी, हाँ चिंगारी, ठीक। लोग इसको जलाने वाले, तो ये क्या है ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा घुमाना है। अभी आवाज आना शुरू हो गया, अभी देख सकते हो हमारा क्या, अभी अंधेरा है, मतलब दिन है तो इसलिए दिख नहीं रही होगी। तो अभी हमारी गैस चल चुकी है, तो इसको हमने थोड़ा सा तेज कर दिया। अभी साउंड तो आ रहा ही होगा आप सबको, पर अभी डाल दिया हमने ये तेल गया, और ये फिर गर्म होएगा, फिर हम क्या कर, पापा मैं भी करूंगा, दोनों मैं भी कर दूंगा। वन आप सिम तोड़ा जाएगा यार, मैं भी तोड़ सकता हूँ। ये क्या है, हूँ थोड़ा सा ऑनियन प्याज यहाँ पे, और थोड़ा सा प्याज हम डाल दिए इसमें, गया प्याज, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर ये डालेंगे, बस ज्यादा डालेंगे,
उसको घुलूंगा मैं, पर सारा गिर रहा है मुझे। अभी क्या है, हमारा घी गर्म हो चुका है तो अभी डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ज्यादा डालेंगे ताकि क्या, इसमें मैंने डाला नहीं है। ये जा रहा है बंदा, और ये गया। तो फाइनली दोस्तों हमारा ऑमलेट बन चुका है, देख सकते हो आप लोग। मतलब इसमें क्या है, अभी देखो 2 मिनट लगा हुआ है इसमें बनने के लिए हमारा। जैसे 2 मिनट में मैगी पक जाती है ना, वैसे क्या है, मतलब ये जो हमने स्टोव लिया दोस्तों, आपने अगर कैंपिंग के लिए लेना है तो बहुत ही मस्त आइटम है, तो आप लोग ले सकते हो बिना सोचे समझे। हंस के दोनों मेरे प्रोडक्ट है, तो आप लोग हंस का भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको दूसरा मिलेगा तो उसको भी आप ले सकते हो। तो अभी हमारा ऑमलेट पक गया है और अभी डालेंगे इसको प्लेट में। तो अभी देख सकते हो बिल्कुल, मतलब कलर कैसे आया हुआ, एक नंबर आया हुआ है, ठीक है। और अभी करेंगे हम लोग टेस्ट, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसा बना है, ठीक है। टेस्टी तो बना ही होगा। ले खाओ, कैसा है? बहुत ही बढ़िया है ना, ठीक है। तो अभी हमारा हो चुका है, तो अभी दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए आ सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो इसी के लिए बनाई थी, ताकि मतलब जो जो कैंपिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो आपको क्या क्या, मतलब छोटी सी कैंपिंग अगर करनी हो, आउटडोर कुकिंग करनी हो, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों ऑमलेट का इंजॉय यहाँ बैठ के बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ठीक है। तो कैसा लगा भाई, पक्का वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और प्राकृत सो रहा अभी, तब तक के लिए गुड नाइट।